अपने बात करें नीली रावी की, रावी नसल की, नीली रावी की बात करते हैं, इसकी उत्पत्ति क्या है? नीली रावी नदी होती है ना, उसके आस वाला आसपास जो क्षेत्र होता है ना पंजाब के अंदर, वो क्या है वहां पे उसकी उत्पत्ति हुआ है। वितरण क्षेत्र की बात करें तो ये क्या पंजाब के फिरोजपुर, वह क्या है राजस्थान के, क्या है राजस्थान में क्या है श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ के अंदर क्या है ये पाई भी जाती है। इसका रंग की बात करें तो इसका रंग क्या होता है काला होता है, और इसके अंदर क्या है मुख्य विशेषता क्या होती है, इसके अंदर आंखें होती है वह क्या है बिल्ली जैसी होती है, आंखें क्या है बिल्ली जैसी होती है। नीली व रावी दो अलग अलग नस्लें हैं, जो क्या है दो अलग अलग नस्लें जो क्या है मोंटगोमरी व फिरोजपुर क्षेत्र में उत्पन्न हुई है, ठीक है। इन दोनों नस्लों को क्या है एक ही अलग नाम तो क्या है इनके अलग अलग है, लेकिन इन्हें क्या है एक ही नस्ल के अंदर क्या है रखा गया है, नाम अलग अलग है नीली और रावी, लेकिन इन्हें क्या है एक ही नस्ल के अंदर रखा गया है। ये क्या है मूरा नस्ल के बाद दूसरी नस्ल सबसे बढ़िया नस्ल है, ठीक है, मूरा नस्ल के बाद दूसरी सबसे बढ़िया नस्ल है। औसतन दूध उत्पादन की बात करें तो 1500 से लेकर के 1800 लीटर प्रति ब्यांत के अंदर दूध उत्पादन देती है ये, और वसा की बात करें तो 4% फैट इसके अंदर पाई जाती है या वसा।